नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू है। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे एमओ मॉड्यूल की प्रोसेस। इससे पहले हमने तीन लेक्चर देखे थे, आज हमारा फोर्थ लेक्चर और लास्ट लेक्चर है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमओ मॉड्यूल की प्रोसेस में हमारे क्या क्या पॉइंट्स बाकी रह गए थे, जैसे कि मायरो और क्वालिटी रिलीज स्टॉक। और उससे पहले हमने जितने भी पॉइंट्स देखे थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में, हमने वो पूरे पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे, कवर कर लिए थे। आज हमारे ये दो लास्ट पॉइंट है जिनको हम डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जब तक आप मायरो नहीं करेंगे तब तक आपका एमओ मॉड्यूल कभी कंप्लीट नहीं होगा। इसको आज हम डीपली समझेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले दी अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। ये एमओ मॉड्यूल की प्रोसेस है, मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग परचेस रिक्वेस्ट बनाते हैं, फिर परचेस ऑर्डर बनाते हैं, वेंडर से इनवॉइस मंगाते हैं, फिर उसके बाद वेंडर का इनवॉइस आने के बाद सैप में GRN करते हैं। GRN हमारे दो तरीके से होती है, एक होती है गेट एंट्री और दूसरी होती है गुड्स रिसीव। उसके बाद हम गुड्स रिसीव करने के बाद उसको क्वालिटी में देते हैं क्लियर करने के बाद, और सिक्स्थ है मायरो। ये हमारी एमओ मॉड्यूल की प्रोसेस हो गई है। इस तरह से ये हमारी 6 एमओ मॉड्यूल की प्रोसेस होती है, जिससे हमारा पूरा एमओ मॉड्यूल कंप्लीट और कवर हो जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वालिटी रिलीज स्टॉक और मायरो। इससे पहले मैं 4 पॉइंट्स आपको बता चुका हूँ कि PR, PO, वेंडर का इनवॉइस और GRN। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा क्वालिटी रिलीज स्टॉक क्या होता है और मायरो क्या होता है, दोनों की मीनिंग, और दोनों को हम डीपली अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों, क्वालिटी रिलीज स्टॉक हमसे क्या कह रहा है? इंटर द मूवमेंट टाइप फॉर द पोस्टिंग चेंज फ्रॉम क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टॉक टू अनरिस्ट्रिक्टेड यूज स्टॉक एंड चूज इंटर। इन द स्टैंडर्ड सिस्टम मूवमेंट टाइप 321 इज अ डिफाइंड फॉर पोस्टिंग चेंजेस फ्रॉम क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टॉक टू अनरिस्ट्रिक्टेड यूज स्टॉक। दोस्तों, ये हमसे कहना चाह रहा है कि जब भी हम मीगो करते हैं मूवमेंट टाइप 105 के बाद गुड्स क्या है क्वालिटी में चली जाती है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है क्वालिटी हैंड पर। जब क्वालिटी वाला बंदा उनको क्लियर करता है उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जो क्वालिटी वाला बंदा उसको अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ कब करेगा? जब हम देखेंगे कि क्वालिटी हमारी, जो भी हमने मटेरियल परचेस किया है वो सही परचेस किया, मटेरियल जो परचेस किया उसकी क्वांटिटी सही है, उसका कलर सही है, उसका लेवल सही है, जो भी XYZ क्वालिटी में जो भी मटेरियल जा रहा है पूरी तरीके से सही होना चाहिए, ये क्वालिटी वाला कंफर्म करेगा। बाद ही वो मोमेंट टाइप 321 जो हमारा क्वालिटी का होता है उसके बाद वो रिलीज़ करेगा, उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्शन में ले सकते हैं। अदरवाइज यदि हमने मीगो करा, क्वालिटी वाले ने उसे कैंसिल कर दिया, तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, वो वहाँ से रिजेक्टेड हो जाएगा और हमें वापस मीगो रिवर्स करना पड़ेगा, या हमें उसके अगेंस्ट में डेबिट नोट वेंडर के अगेंस्ट में हमें काटना पड़ेगा। दोस्तों, ये स्टेप होती है, पहले हम मीगो करते हैं, उसके बाद मीगो के बाद हम क्वालिटी इंस्पेक्शन लॉट करते हैं। जब यहाँ से मीगो करेंगे, यहाँ से क्वालिटी QA-32 ओपन करना पड़ेगा। QA-32 में हमें डेट डालनी रहेगी और प्लान डालना रहेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद हमारा क्वालिटी हमें क्लियर करने के लिए ऑप्शन पूछेगा कि आपको रिजेक्ट करना है, कितना परसेंटेज देना है, कितना आपको सही मिला है नहीं मिला है, वो सब चीज़ें हम अंदर पुट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। सो विच थिंग आर नेसेसरी टू चेक द क्वालिटी ऑफ गुड्स। हमें क्वालिटी चेक करते समय किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मटेरियल कंस्ट्रक्शन, सेकेंड है वेट एंड डायमेंशंस, थर्ड है कलर रिक्वायरमेंट, फोर्थ है मार्किंग एंड लेबलिंग, फिफ्थ है पैकेजिंग वेट, सिक्स्थ है कट एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट, और सेवन्थ है पैकेजिंग मटेरियल। ये सब चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है। हमें सबसे पहले मटेरियल देखना पड़ता है, सेकेंड उसका वेट देखना पड़ता है, वेट क्या है, कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, कलर देखना पड़ता है कि कलर जो हमने रिक्वायरमेंट थी वही कलर आया है नहीं आया, उसकी मार्किंग चेक करनी पड़ती है, उसकी पैकिंग चेक करनी पड़ती है, कटिंग लेबलिंग चेक करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये 7 चीज़ें हमें क्वालिटी चेक करते समय ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो, इसके अलावा और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो डिपेंड करता है ब्रांड पे, प्रोडक्ट पे, आप क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। मेजरली हमारी कॉमनली यही चीज़ें यूज़ होती हैं जो हमें क्वालिटी चेक करने के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा मटेरियल वेयर हाउस में आया, उसके बाद हमने क्या करा, वेयर हाउस के बाद क्वालिटी वाले बंदे को बुलाया, उस बंदे ने क्वालिटी के सभी पेपर चेक करे, जो भी आपका मटेरियल आया उसको चेक करा, चेक करने के बाद उसको ओके करेगा। वो क्या करेगा, सैप में जाएगा, QA-32 में जाके उस मटेरियल को ओके करेगा, वहाँ से अनरिस्ट्रिक्टेड करेगा, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपके सेफ की स्क्रीन दिखेगी, आपको टी कोड क्या यूज़ करना है, QA-32। जैसे आप QA-32 यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे डेट डालना है, डेट डालने के बाद आपको यहाँ पे प्लांट डालना है, प्लांट के बाद आप इंस्पेक्ट सिलेक्ट ओनली पे करेंगे,
तो जो आपका अभी पेंडिंग है, जिनके क्यूसी नहीं हुई है, सिर्फ आप उनको रिलीज कर सकते हैं। और ऑल पे करेंगे तो आपको यहाँ पे सभी दिखाई देंगे, जो आप क्यूसी कर भी चुके हैं और नहीं भी करें हैं, दोनों दिखाई देंगे। तो इसलिए आप एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्यूसी को क्लियर करने के लिए। तो इस तरह से आपको इसको सेफ में वर्क करना है। मैं इसकी पर्टिकुलर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो वो मेरी चेक कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं मायरो। अभी हमने देखा देखा क्वालिटी अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक क्या होता है। जब हम मीगो करते हैं, मीगो क्वालिटी में जाती है, उसके क्वालिटी वाला बंदा उसको रिलीज़ करता है, उसके बाद प्रोडक्शन वाला बंदा उसको यूज़ कर सकता है, वो होता है क्वालिटी। अब नेक्स्ट आते हैं मायरो। दोस्तों मायरो क्या कह रहा है, मायरो इसे ट्रांजेक्शन कोड यूज़ फॉर इंटर इनकमिंग इन्वॉइस इन SAP। मायरो क्या करता है, हमारे जो भी वेंडर का इन्वॉइस है उनको बुक करता है SAP में। मायरो मीन्स इन्वॉइस रिसिप्ट है लाइबिलिटी टू क्रिएट अगेंस्ट द वेंडर। दोस्तों मायरो जैसे ही बुक करते हैं तो उससे क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, जिससे हमें वेंडर को क्या अमाउंट पे करना है, कितने का हमने माल परचेस करा और कितने रुपए हमें उसको देना है। तो इसलिए हम हमेशा मायरो बुक करते हैं, जिससे कि हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। वेन द गुड्स मटेरियल रिसीव इन स्टोर वेयर हाउस वी बुक मीगो एंट्री इन SAP एंड JV इन द कैश विल बी। जब भी हम मीगो करते हैं उससे हमें हमारी एंट्री जनरेट होती है, उसके बाद ही मायरो करते हैं। तो इससे क्या करते हैं, हम गुड मटेरियल को डेबिट करते हैं, ZRIR को क्रेडिट करते हैं, जिससे कि हमारे मीगो कंप्लीट हो जाता है। मीगो के बाद हम मायरो कर देते हैं, उसका बिल बुक कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों मायरो के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक परचेस ऑर्डर नंबर, सेकेंड है बिल नंबर, थर्ड है इन्वॉइस डेट, फोर्थ है इन्वॉइस अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, टैक्स अमाउंट और इन्वॉइस क्वांटिटी। जब भी हम मायरो कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को हमें चेक करना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। वैसे तो हम जैसे ही इस मायरो में परचेस ऑर्डर नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक डिटेल्स अपने आप फीड हो जाती है, बट हमें वहाँ पे इन्वॉइस नंबर डालना पड़ता है रेफरेंस में। इन्वॉइस डेट, आप किस डेट में मायरो कर रहे हैं, उसका अमाउंट क्या आ रहा है, वो आपको चेक करना रहता है। उसमें कोई डेबिट नोट तो नहीं है, क्रेडिट नोट तो नहीं है, वो सब चीज़ें आपको चेक करनी रहेगी। उसके बाद उसका टैक्स का अमाउंट क्या हो रहा है, उसके बाद उसकी इन्वॉइस की क्वान्टिटी क्या है। इस तरह से आप ये 6 चीज़ें उसमें बेसिक हैं, ये आपको चेक करना रहेगा, उसके बाद आप मायरो बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इस तरह से आपको मायरो की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पे आप इनवॉइस डेट डालेंगे, यहाँ पे रेफरेंस या बिल नंबर, अमाउंट क्या है, टैक्स क्या है, रिमार्क यदि आप चाहें कोई लिखना चाहें तो, परचेस ऑर्डर नंबर जैसे ही आप डालेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे मटेरियल क्वांटिटी, PO टैक्स, और यहाँ पे यदि आप नेक्स्ट करेंगे, आगे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी चीज़ें दिखाई देंगी, जहाँ आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट डाल सकते हैं। उसके बाद आपको होल्ड करना है या सिमुलेट करना है, जैसा आप चाहें उसको बुक कर सकते हैं। ये हमने देखा मायरो। दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या देखा, एक देखा क्वालिटी, दूसरा देखा मायरो। क्वालिटी क्या होती है कि हमने मीगो करा, उसके बाद कोई क्वालिटी में मटेरियल गया, क्वालिटी वाले बंदे ने उस मटेरियल को चेक करा, उसके बाद उसको रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ करने के बाद उसको प्रोडक्शन वाला बंदा यूज़ कर सकता है। और मायरो क्या होता है, मायरो का मतलब होता है हमने कोई वेंडर से माल खरीदा, हमने उस इन्वॉइस को बुक करा, करने का जो हमारी लाइबिलिटी बन रही है वो लाइबिलिटी हमारी सेप में दिखने लगेगी, और उसको उसके बिहाफ में हम पे कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने हमारे चारों लेक्चर में क्या कवर किया हुआ है, किया है परचेस रिक्वेस्ट कौन जनरेट करता है, विद इन अ प्लांट, प्लांट में ही जो बंदा बैठा हुआ है वो जनरेट करेगा। सेकंड हमने देखा था परचेस ऑर्डर, परचेस ऑर्डर कौन जनरेट करता है, परचेस ऑर्डर परचेस डिपार्टमेंट की टीम जनरेट करेगी, जो हमारी परचेस टीम है। परचेस टीम हमेशा देखेगी कि परचेस ऑर्डर जो हमने परचेस बनाया है, PR बनाया है, उसके अगेंस्ट में परचेस ऑर्डर जनरेट होगा, कि क्वांटिटी क्या है, मटेरियल हमें क्या चाहिए। परचेस ऑर्डर क्या करेगा, वेंडर के पास जाएगा, वेंडर से इन्वॉइस लेगा, इन्वॉइस चेक करेगा, और PO बनने के बाद हम क्या करेंगे, GRN करेंगे। GRN किसकी हेल्प से होगा, एक PO नंबर और दूसरा वेंडर का इन्वॉइस। वेंडर के इन्वॉइस में हम देखेंगे वेंडर ने कितना मटेरियल भेजा है, वेंडर का इन्वॉइस नंबर क्या है, हमें क्वांटिटी कितनी मिली। और GRN में हम 2 स्टेप करते हैं, एक करते हैं गेट एंट्री, गेट एंट्री में हम फुल क्वांटिटी से बुक करते हैं और गुड्स रिसीव करते हैं, हमें एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ है। हमने 100 kg मंगाया है, 10 हमें शॉर्टेज मिला, तो हम 90 kg में बुक करेंगे। तो आज हमने देखा है क्वालिटी रिलीज, जैसे हमने मीगो कर दिया उसके बाद हमारा क्वालिटी स्टॉक में आएगा, और क्वालिटी स्टॉक में आने के बाद हम चेक करेंगे दी मटेरियल सही है तो उसको रिलीज़ करेंगे, और लगता है मटेरियल सही नहीं है तो उसे वहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करने के बाद उस वेंडर को हम डेबिट करेंगे, या तो फुल क्वांटिटी से या जो भी हमें शॉर्ट मिल रहा है डिफरेंस अमाउंट से, उस वेंडर को डेबिट करके उतना अमाउंट हम काट के उसको पेमेंट करेंगे। सिक्स्थ है मायरो।
ये सब होने के बाद, पांचों प्रोसेस होने के बाद हम क्या सिक्स्थ करते हैं, मायरो इनवॉइस बुक करते हैं। जो भी वेंडर ने हमें इनवॉइस भेजा जिसके थ्रू हमने मायरो किया, वेंडर के इनवॉइस की हेल्प से हम मायरो करेंगे। मायरो में हम देखेंगे कि यार हमने कितना, हमें एक्चुअल में मिला, हमें कितना पे करना है, हमारी क्या लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। मायरो की हेल्प से हम वेंडर के लेजर अकाउंट में जाकर चेक कर सकते हैं कि हमने कितने का मटेरियल परचेस किया है, हमें कितनी लाइबिलिटी है, कितना डेबिट अमाउंट है, कितना क्रेडिट अमाउंट है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने एमओ मॉड्यूल के पूरे लेक्चर देख लिए हैं, चारों लेक्चर, जिसमें हमने एमओ मॉड्यूल का पूरा प्रोसेस को समझा है कि एमओ मॉड्यूल किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या प्रोसेस होती है। कुछ नया लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। और इसी तरह मेरे से कमेंट्स में पूछते हैं, आप जो भी मेरे से डाउट पूछते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर देता हूँ दोस्तों। यदि आपको कोई डाउट, तो आप मुझे कमेंट्स से मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।